7 करोड़। सात करोड़ एक, 7 करोड़ 2, 8.5 करोड़। तेरह करोड़ एक, 13 करोड़ 2, 14 करोड़, 9 करोड़। सिक्योरिटी, इनको बाहर लेके जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को। चलिए आप शुरू कीजिए। छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी। 14 करोड़ 1, 14 करोड़ 2, 18 करोड़। बीस करोड़। क्या बात है भाई, देखिए 20 करोड़ 1, 20 करोड़ 2, 22 करोड़ 22 करोड़, 22 करोड़ 1, 22 करोड़ 2, 23 करोड़ 23 करोड़ 1, 23 करोड़ 2, 25 करोड़ 25 करोड़, 25 करोड़ 1, 25 करोड़ 2, 25 करोड़ 3, तय हुआ। शानदार घर के हकदार हैं बीडर नंबर 14। आइए आप सिग्नेचर कीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मामा का सपना था, मैंने मामा से वादा किया था। जी? कौन ले सकता है घर? अब एक्चुअली मैं इस घर का मालिक नहीं हूं। ये बंगलो मेरे बॉस ने खरीदा है। आपने इतने ज्यादा दाम में ये घर क्यों लिया? देखिए मैम, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल ब्रोकर हूँ। ये बंगलो मेरे बॉस ने खरीदा है, उन्होंने ही मुझे फोन पे इंस्ट्रक्शंस दी थी कि क्या बोलियां लगानी है, बस मैंने वही लगाई। कौन है आपके सर? मैंने खरीदा इस घर को। ये घर मेरा है, नील खन्ना का घर, और इस घर में मेरे साथ सिर्फ मेरा परिवार रह सकता है। और अगर इस घर में तुम्हें मेरे साथ में रहना है तो मेरी बीवी बन के रहना पड़ेगा, मिसेज अनन्या नील खन्ना बनकर।
एक वाइफ के लिए उसके हस्बैंड का छोटा सा गिफ्ट। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा ये घर। नील, नील क्या है ये सब? और तू क्यों कर रहा है ऐसा यार? डोंट माइंड अली। लेकिन मेरी वाइफ के लिए मुझे क्या खरीदना है उसके लिए मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है। देख, उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया यार। वो तो ये शादी भी करना नहीं चाहती। क्यों? दूध पीती बच्ची है क्या अनन्या? ये इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है जो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाती। अगर अनन्या खुद शादी का जोड़ा पहनकर मंडप में आके बैठ सकती है तो ऑफकोर्स ये शादी उसने खुद अपनी मर्जी से की। और इस शादी से अगर किसी को सबसे बड़ा धोखा मिला है तो वो मुझे मिला है। लेकिन इस बार तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है मिस अनन्या वर्मा। और तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होता है अब। ये घर चाहिए था ना तुम्हें? ठीक है, अब अगर मेरी डियर वाइफ की इजाजत हो तो उसका हस्बैंड कुछ पेपर वर्क करना चाहता है इस घर के। परमिशन है? अवनी। अली प्लीज, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दे।